अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना, आप सभी का स्वागत है नाजिया क्रिएटर्स में। गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम इस पुरानी पेटी से करने वाले हैं मोसाइक आर्ट। तो आप देख सकते हैं ये सिपारे रखने की पेटी है, इस पे कहीं कहीं जंग के धब्बे लग चुके हैं जो बिल्कुल धोने से भी नहीं जा रहे हैं। तो फैब्रिक ग्लू और कांच मैंने ले लिया है और अब हम इसका पैटर्न बनाएंगे। सारी तरफ हम अलग अलग डिज़ाइन का पैटर्न बनाएंगे जिससे ये पेटी हमारी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस पुरानी पेटी को हम नए करने जा रहे हैं। तो गाइस ये पेटी काफ़ी पुरानी है तो इसको हम नए करेंगे। ये जो पेटी है हमारी 10 साल पुरानी है गाइस। तो इस पेटी पे हम पहले मिरर वर्क करेंगे, तो फैब्रिक ग्लू से हम मिरर चिपका लेंगे। जैसा भी पैटर्न आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से चिपका सकते हैं। तो गाइस मैंने साइड में अलग, बीच में अलग, इस बीच में मैं और अलग, ऐसे अलग अलग पैटर्न करूँगी ताकि मेरी पेटी का कुछ लुक अच्छा लगे मेरे को, क्योंकि पेटी एकदम बहुत ज़्यादा पुरानी सी लगने लगी थी मेरे को। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर मोसाइक आर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैं इस पे चिपका रही हूँ, अलग अलग डिज़ाइन से फ्लावर बना दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं इसके आसपास जो गोल राउंड वाले कांच होते हैं मिरर छोटे वाले, वो चारों तरफ मैंने चिपका दिए। देखिए बॉर्डर से बना दिए मैंने इसमें और इस बॉर्डर बनने से ये काफ़ी खूबसूरत लुक आया है इसमें गाइस। देख सकते हैं आप, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसे थोड़ा सूखने देंगे, उसके बाद दूसरा पैटर्न बनाएंगे गाइस, वरना ये हिल जाते हैं और काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इनको सुखाए ज़रूर, 5 से 6 घंटे इनको सूखने में लगते हैं, उसके बाद ही हमें दूसरी तरफ का पैटर्न बनाना चाहिए गाइस। और देख सकते हैं मैं साइडों के कोनों में भी ये जो गोल वाले कांच की डिज़ाइन है ये बना रही हूँ। और देखिए काफ़ी, जितने कांच इसमें लगते जा रहे हैं उतनी खूबसूरत ये लगती जा रही है गाइस। देखिए आप कितनी प्यारी सा लुक आ रहा है इसमें। अब मेरा ऊपर का पैटर्न सूख चुका है इसलिए मैं सामने वाले पैटर्न पे आ चुकी हूँ। जो पैटर्न मैंने फूल का बीच में बनाया था वो पैटर्न मैं अब किनारे पे बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने बोला है कि हर तरफ मैं अलग डिज़ाइन बनाऊँगी, तभी ये मोसाइक आर्ट का जो मेरा है ये गजब का शानदार सा लुक देगा मेरा गाइस। तो देख सकते हैं मेरी बेटी आ चुकी है मेरी हेल्प करवाने, तो वो भी बीच बीच में अपनी सलाह दे रही थी मेरे को कि ये डिज़ाइन करो, ये पैटर्न करो, आपने ऊपर ये किए तो यहाँ पे भी ये करो। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने गोल वाले कांच को साइडों में लगाया है। यहाँ पे भी आसपास हम बॉर्डर बनाएंगे गाइस जिससे हमारी ये आर्ट और भी ज़्यादा निखर के आए, खूबसूरत लगे। तो देख सकते हैं आराम से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और काफ़ी सुंदर बनती है ये। तो देखिए कैसे हम चिपकाते हुए चल रहे हैं इसको, और ये देखिए हमारा पूरा पैटर्न बनके तैयार हो चुका आगे का। अब हम ऊपर वाली जो जगह खाली है उसमें ये चौकोर वाले कांच चिपका देंगे गाइस। देखिए आप, मेरी बेटी भी आ चुकी है, मैं भी लगाऊंगी अब। तो आपने बहुत सारे कांच लगा लिए, मैं स्कूल गई थी जब, तो अब मैं लगाऊंगी। तो वो बिल्कुल बीच बीच में घुस रही है, थोड़े आड़े तेड़े भी कर रही है लेकिन बीच में लगाते हुए चल रही है गाइस वो। तो गाइस मेरी बेटी की भी इसमें साथ में काफ़ी मेहनत लगी, और देखिए मैंने गलती से एक मिरर दूसरा लगा दिया था इसमें ऊपर के साइड, तो फिर सारे ही मैंने चेंज कर दिया। अब मैं साइडों में भी वापस चौकोर वाले लगा रही हूँ। देखिए ऊपर के पैटर्न में मैंने एक दूसरा गलत लगा था, मेरी बेटी ने सारे ही दूसरे लगवा दिए, और जो टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं ये उसी के लगे हुए, और उसने मुझे हटाने भी नहीं दिए कि नहीं ये मैंने लगाए हैं, बिल्कुल नहीं हटाओगे आप। और इधर देख सकते हैं मैं पुट्टी का डो बनाने के लिए तैयार हूँ, तो सॉरी डो नहीं, मैं इसकी जो पुट्टी का पेस्ट होता है वो बनाऊँगी। तो गाइस देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल 8 चम्मच ले लिया है 10 वाली फेविकोल, मैंने बिल्कुल पूरी डाल ली है। पानी से इसका बैटर मैंने तैयार किया है, 2 बार इसका बैटर मैंने तैयार किया है। इस पेटी में कुल मिलाकर मेरे 12 चम्मच पुट्टी लगी थी गाइस। और देख सकते हैं एक कागज़ के पुष्टे की सहायता से मैं इसमें लगा रही हूँ ये पुट्टी। और देखिए जल्दी जल्दी से मैंने इसमें फर्स्ट बार में तो ऐसे ही लगा दी थी क्योंकि मुझे पता था इसमें मुझे सही करना है। और गाइस आपको दो ही तरफ से घुमाते हुए इस पुट्टी को लगानी चाहिए ताकि ये जो किनारे है ये पूरी फिक्स हो जाए। देखिए अगर हम एक साइड से लगाते हैं तो वो इस तरीके से लगती है कि दूसरा पैटर्न हमारा खाली रह जाता है, इसलिए दो ही तरफ से मोड़ के अच्छी तरीके से इस पर भर भर के हम पुट्टी लगा दो। उसके बाद एक दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं हम कागज़ के गत्ते का जो थोड़ा टाइट हो, और धीरे धीरे से हाथ चलाते हुए हमें उसको
फेरते रहना है ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हुई है वो हमारी हट जाए। और देखना इसमें निकल कर हमारी वो पुट्टी आ जाएगी, हमारे कांच चमकने लगे हैं गाइस, देख सकते हैं, मतलब पुट्टी जो हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा दी थी वो निकलने लगी है। और इस कटोरे में आप देख सकते हैं जो ये पैटर्न बन चुका है, ये वो पुट्टी हटाती जा रही हूँ मैं और इसमें निकालती जा रही हूँ। और ये पुट्टी मैंने काम में ली है गाइस, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि क्या ये बची हुई पुट्टी का मैंने क्या काम लिया था। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको लेना है गाइस, मैं इतनी धीरे धीरे से इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप भी बनाओ तो बड़े आराम से बना सकते हो गाइस। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो तो देखी होगी मोस्टली काट के, लेकिन वो जल्दी 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 बता देते हैं तो हमें पूरा समझ में नहीं आता है। तो गाइस पुट्टी में हमें फेविकॉल लेना है, उसमें थोड़ा हमें इतना ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा गाढ़ा रखना है जिससे हमें इसमें लगाने में दिक्कत नहीं हो। अगर आप पतला लगाओगे तो ये फट जाएगा, बेगा, तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और देख सकते हैं गाइस मेरी पेटी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तीन तरफ से हमने इसके कांच के स्पेस से पुट्टी साफ़ कर दी। और देख सकते हैं कितनी निखर के आ रही है ये डिज़ाइन गाइस, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे का पैटर्न भी दिखा देती हूँ कि ये हटने के बाद ये देख सकते हैं कुंदे के यहाँ से मैंने बिल्कुल नहीं हटाया। तो गाइस देख सकते हैं सारी जगह से मेरा बहुत अच्छा सा पैटर्न बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो पे। जो लोग नए हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।